पाकिस्तान टीम को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है एशिया कप 2023 के अंदर। एशिया कप 2023 का पाकिस्तान का सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल बॉलर नसीम शाह एशिया कप 2023 से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर। एशिया कप 2023 भाई इंडिया पाकिस्तान मुकाबले के अंदर को भाई डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ था। वो सुपर फोर का मुकाबला जहाँ पर विराट कोहली ने भाई बहुत सारे रन किए थे, उस मुकाबले के बाद भाई नसीम शाह बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आए थे, उस मैच के अंदर भी बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आए थे। तो भाई खबर आई थी कि नसीम शाह को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ, लेकिन उसके बाद लगातार स्कैन्स हुए के बाद रिपोर्ट आई कि चलो ठीक है, हारिस रौफ का मामला थोड़ा सा ठीक नजर आ रहा है, लेकिन नसीम शाह हैंडल विद केयर खिलाड़ी एशिया कप 2023 से बाहर हो चुका है। यानी कि जो श्रीलंका वाला मुकाबला होगा पाकिस्तान का, उस मुकाबले के लिए भाई अवेलेबल नहीं रहेंगे नसीम शाह। रिप्लेसमेंट आई है जमान खान की, जो कि भाई T20 गेंदबाज है, T20 के अंदर शानदार गेंदबाजी करते हैं, अपने यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भाई जमान खान को यहां पर रिप्लेस किया गया है नसीम शाह के द्वारा, और जमान खान होंगे स्क्वाड के अंदर। यानी कि नसीम शाह आउट, जमान खान इज इन द एशिया कप 2023 स्क्वाड। एक बहुत बड़ा झटका भाई, एक ऐसा गेंदबाज था जो कि अपने दम पर मैचेस पलट रहा था, अपने दम पर भाई दोनों तरफ बॉल को स्विंग करा रहा था, लेकिन नसीम शाह का ना होना एशिया कप 2023 के अंदर एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि भाई वर्ल्ड कप भी आ रहा है, वर्ल्ड कप से पहले आपको थोड़े बहुत मैचेस चाहिए होते हैं, और ये जो एशिया कप का पूरा स्क्वाड था उसके अंदर भाई बड़े बड़े टीम्स थी, श्रीलंका थी, यहाँ पर भारतीय टीम थी, उनके खिलाफ भाई एक दो मुकाबले हुए, अगर और मुकाबले होते तो यहाँ पर फायदा होता सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को। यहाँ पर पहले ही जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा कमजोर है, और अगर यहाँ पर जो इनका पेस ट्रायो है यानी कि हारिस रौफ, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, इसमें से अगर आप नसीम शाह हटा दो तो जो रिप्लेसमेंट आएगा उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा, यानी कि एक और कमजोर कड़ी पाकिस्तान की टीम के अंदर जुड़ जाएगी। पहले स्पिन डिपार्टमेंट कमजोर, उसके बाद नसीम शाह का भी बाहर होना एक बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। देखने वाली बात होगी वर्ल्ड कप 2023 के अंदर क्या होगा। वैसे ही भाई हैंडल विद केयर खिलाड़ी है, शाहीन शाह अफरीदी को भी डिस्कम्फर्ट फील हुआ था। अब देखने वाली बात होगी भाई क्या हारिस रौफ को भी कुछ होगा नहीं होगा, कितने फिट वो होंगे, कितने ओवर गेंदबाजी करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हारिस रौफ को यहाँ पर और कुछ होता है तो भाई बिल्कुल वर्ल्ड कप भी हाथ से जाएगा पाकिस्तान के, और एशिया कप 2023 के फाइनल के अंदर जाने के सपने तो एकदम भूलने पड़ेंगे। भाई बेंच स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है, टॉप ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है, तो बीच में जो एकदम ऑन पेपर सॉलिड स्क्वाड लग रही थी पाकिस्तान की, अब दो तीन खिलाड़ी के बाहर होने से एकदम कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। तो भाई वर्ल्ड कप 2023 बड़ा टारगेट, और उससे पहले नसीम शाह इज आउट ऑफ एशिया कप 2023। अब आपके क्या सोच रहे हैं इस पूरी वीडियो को लेकर, नसीम शाह को लेकर, रिप्लेसमेंट जमान खान को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में